मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल लाजमी बजा दें, ऑल पे क्लिक कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक दें। खट्टा मीठा करेला की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत लजीज बनती है, बहुत आसान है बनाना, एक बच्चा भी इसको बना ले। तो चलिए बनाने चलते हैं। एक खट्टा मीठा करेला बनाने में ये सब लगने वाला है। ये प्याज है लगभग 400 ग्राम, 200 ग्राम करेला है, इसको काट कर रख लिया, बीज निकाल कर ये दिखाने के लिए रखे हुए हैं। तो इस तरह से लगभग 200 करेला है, इसको काट कर खूब अच्छे से बीज वगैरह हटा कर इसको धोएंगे। काटने से पहले इसको नहीं धोना, काटने के बाद ही धोएंगे। ये प्याज को भी रफली चॉप कर लेंगे। ये है कच्चा आम, अचार बना रहे थे तो ये पीला आम निकल गया तो रख लिया है, इसको करेला के अंदर डालेंगे। एक आम है खट्टा, कच्चा आम है, अभी आम का सीज़न है तो कच्चा ही आम डाल ले रहे हैं, नहीं तो अगर नहीं रहता है तो अचार वगैरह डलाता खट्टे के लिए। और ये 1 टीस्पून भर कर अदरक लहसुन पेस्ट है, और ये कड़वा सरसों तेल है आपका, और ये सूखा मसाला है। ये सूखा मसाला में ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मिर्च पाउडर है, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ये 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, बस यही सब इसमें लगता है और कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। बस इसी में इस तरह मज़ेदार होता है कि हम क्या बताएं आप लोगों को। और ये चीनी मिठास के लिए, खट्टा मीठा करेला है तो थोड़ा मीठा भी पड़ेगा, गुड़ है तो गुड़ भी डालेगा, हमारे पास चीनी है तो हम चीनी डाल रहे हैं। तो बस यही सब है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। करेला को अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है, अब इसी में सारी चीज़ डाल देना होगा, कोई इसको भूनना नहीं है, पकाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सारी चीज़ इसको डाल देना है। सारी चीज़ एक साथ डालकर और ये कुकर का लिड लगा कर इसको पकने देना होता है। 2-3 मिनट के लिए पकता है, बस उसी में हो जाता है। अगर कोई पतीला वगैरह में बनता तो कुछ टाइम लगता, आधा घंटा के करीब। सारा सूखा मसाला, अदरक लहसुन सब इसी में डाल दिया है, और ये चीनी पूरा पकने के बाद डलाएगा, अभी नहीं चीनी डलाएगा। अब इसी में सरसों तेल डाल दिया जाएगा और बस 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे, चाय का चम्मच से, कि पानी छूटना आसान हो जाए। ये शुरू में तो पानी छूटता नहीं, खाने में जल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। कुकर का लिड लगा कर थोड़ा चला देना है, सारी चीज़ को, सारे मसाले को मिला कर और चढ़ा देना है, बस कुछ भी नहीं है। वही हर बार जो 1 सीटी लेने तक फुल फ्लेम पर रखना होता है वही करना होगा। फुल फ्लेम जब हो जाए उसके बाद इसको लो फ्लेम पर 2-3 मिनट गलाना है। फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। जब 1 सीटी आ जाएगा तो 2-3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, बस हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं। 3-4 मिनट हो गया पकते हुए, इसका ढक्कन को खोल लिया है, अब पानी को खुश्क करना है। सारा पानी इसका खुश्क हो गया है, अब इसी वक्त में इसके में मिठास के लिए चीनी डाल दे रहे हैं। चीनी डालकर सबको मिला देंगे, बे इंतहा लजीज बन गया है, बनकर तैयार हो गया है। रोटी चावल दोनों के साथ अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाइए, बहुत मज़े का बना है, और बनाकर खाइए, बहुत ही लजीज बनता है। और कुछ आसान सी रेसिपी लेकर आएंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।